देखिए, ये हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा था, और वो पॉइंट ये था कि हम जीआई तभी बता पाएंगे कि हमें ये पता चले कि प्रायोरिटी किसको ज़्यादा सीनियर मानना है। और नो डाउट शुरुआत में हर चीज़ अल्फ़ाबेटिकली चलती थी, अल्फ़ाबेटिक जो पहले आएगा उसको हम प्रायोरिटी पहले देंगे। लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया कि हमारे पास ऐसे कई नेम होंगे जिनके दो दो नाम होंगे, कई ऐसे ग्रुप होंगे जिनके दो दो नाम होंगे। अब उस कंडीशन में हम इसमें दिक्कत आएगी, और नाम हर एक को याद होते भी नहीं है। सही बात तो ये, तो फाइनली फिर जो ये चैन इनगोल्ड प्रीलोंग है, ये बड़े परेशान हो गए। तो ये बाद में ऑब्वियसली मेरे पास आए, तो मैंने उनको कुछ पॉइंट्स बताए, उसी को उन्होंने बाद में लिख दिया। तो मैंने कहा, क्या कहा उन्हें, क्या कहा वो देखते हैं। असाइन द प्रायोरिटी ऑर्डर टू द टू ग्रुप्स अटैच टू ईच ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन इन अकॉर्डिंग विथ सिक्वेंस रूल। और सिक्वेंस रूल कौन से हमारे, सिक्वेंस रूल्स आर दिस, यानी भाई असाइन करो प्रायोरिटी ऑर्डर से, और तभी आपकी नेमिंग हो पाएगी। इस बात का ध्यान रखो कि डबल बॉन्ड जब किसी कार्बन पे, तो उसकी कितनी वैलेंसी होगी, दो। वो दोनों वैलेंसी सेम ग्रुप से नहीं होनी चाहिए। अगर सेम ग्रुप से हो गई तो जीआई होगा ही नहीं, पहली बात खत्म। तो दूसरा पॉइंट, यानी दोनों अलग अलग ग्रुप होंगे, मुझे प्रायोरिटी उन दो ग्रुप में देनी है आपस में। और जो दूसरे को डबल बॉन्ड के दूसरा कार्बन आइटम है, सेकेंड एंड है, उन दोनों में आपस में प्रायोरिटी देनी है। यानी इन दोनों कार्बन की प्रायोरिटी का दूसरे कार्बन की प्रायोरिटी से कोई लेना देना नहीं है। आसान भाषा में, इन दोनों में आपस में प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, और इन दोनों में करनी है, इन चारों में एक साथ नहीं करनी है आपको। आ गई बात समझ में, इन दोनों में कौन सीनियर है और इन दोनों में कौन सीनियर है, उसकी प्रायोरिटी करनी है। और प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी वो हमें देखना है। हायर प्रायोरिटी इज असाइंड टू एटम्स, यानी एटम्स को देखना है। डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम, जो डायरेक्ट अटैच हो रहा है, सही है। ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो ज्यादा आपका प्रायोरिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी जगह लिख सकते हैं कि मेरे पास ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और एक ग्रुप है OH। तो इसमें डायरेक्ट अटैच एटम कौन है, कार्बन, और इसमें डायरेक्ट अटैच ग्रुप कौन सा है, ऑक्सीजन। तो कौन ज्यादा प्रायोरिटी होगी, ऑक्सीजन की। सेकेंड एटम तक नहीं जाना है आपको, सेकेंड एटम तक आप तभी जाएंगे जब फर्स्ट एटम टाई हो जाए। समझ में आ गया भाई, तुम्हारी क्रिकेट टीम है, हमारी क्रिकेट टीम है, तुम तुम्हारा बेस्ट प्लेयर लिया हो, हमारे सचिन तेंदुलकर को उतार देते हैं, ठीक है, जो ज्यादा रन बनाएगा वो जीत गया, ऐसे ही करते हैं अपन बस। हाँ, अगर तुम्हारे फर्स्ट प्लेयर ने भी 100 रन बनाया, हमारे ने भी फर्स्ट ने 100 बनाए, तो हम पीछे सहवाग को उतार देंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड नंबर वाले को उतारेंगे हम, तब जब फर्स्ट टाई हो गया। तो चलिए, इफ आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अटैच, यानी हमारे पास एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14 आ गया, मतलब मान लीजिए इसके लिए क्या एग्जाम्पल होगा आपके लिए सुइटेबल, CH3 और एक CF3। लेकिन ये कार्बन 14 है और ये कार्बन 12 है, डायरेक्टली अटैच एटम, दोनों में अलग अलग हुए या नहीं हुए, हो गए आप, क्योंकि आइसोटॉप हो गए। तो कौन सीनियर है, CH3। आ गई बात समझ में। उसके बाद उसके पास फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कुछ कुछ समझ में आया, तो ये अच्छा पॉइंट हो गया, ये आप इसमें डाल दीजिए। और हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, ट्रिटियम की। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि CH3 ज्यादा सीनियर होगा या CD3, तो CD3। इफ फर्स्ट एटम इज सेम देन डायरेक्ट सेम देन डिटरमाइन बाय कंपेयरिंग नेक्स्ट एटम इन द ग्रुप और सो ऑन। यानी उस ग्रुप में सेकेंड एटम पे देखेंगे, सेकेंड एटम भी सेम हो गया तो थर्ड एटम, यानी वो कंटिन्यू आप देखते रहेंगे। फोर्थ, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है, तो हमने शुरुआत में सोच लिया ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दे दो, लेकिन किस बेसिस पे देंगे वो अभी हमें लिखना बाकी है। डबल और ट्रिपल बॉन्डेड इज कंसिडर इक्विवेलेंट टू टू और थ्री सच एटम्स, यानी कि डबल बॉन्ड को किस तरह से ट्रीट करेंगे, दो एटम की तरह, और ट्रिपल बॉन्ड को किससे अटैच मानेंगे, थ्री एटम्स की तरह।
फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड है, तो ऐसे मानेंगे जैसे ऑक्सीजन यहां पर दो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, एक नहीं दो, यानी ये दो, इस कार्बन पे एक नहीं दो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, कुछ को समझ में आया? तो डबल बॉन्ड को नॉर्मल से क्या प्रायोरिटी क्या दे देंगे, ज्यादा, क्योंकि दो ऑक्सीजन की तरह ट्रीट करेंगे। यस और नो? आगे ट्रिपल बॉन्ड को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, तीन नाइट्रोजन एक साथ अटैच होना, समझ में आ रहा है? तो ये ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हो गई, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ऐसे ट्रीट करेंगे कि मान लीजिए जैसे मैंने यहां लिखा ना नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो हर नाइट्रोजन के साथ भी अपन को क्या करना पड़ेगा, कार्बन 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 लगाना पड़ेगा, यानी ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां नाइट्रोजन लगेगा तो यहां क्या लगेगा, कार्बन, यहां नाइट्रोजन लगेगा तो यहां क्या लगेगा, कार्बन। तो इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, तो इस समझना बात को, ट्रिपल बॉन्ड है तो इस ट्रिपल बॉन्ड में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं ये सोचना पड़ेगा, कितने जुड़े हैं, एक दो तीन, तीन जुड़े माने जाएंगे, सही करो यहां, कितना, तीन, और इसके ऊपर भी कितने जुड़े माने जाएंगे, तीन, एक दो तीन और एक हाइड्रोजन। आ गई बात समझ में, एक बार और समझाना, ये देखो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तीन, तो मैंने एक दो तीन और एक तो फ्री वैलेंस यही जिससे वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है एल्कीन, और इस पे कितनी है, चार होती है जिसमें से तीन तो कार्बन से जुड़ी हुई है और एक हाइड्रोजन से, तो ये एक दो तीन, तीन कार्बन से जुड़ी हुई है और एक हाइड्रोजन से, हाँ या ना? तो इस ग्रुप को जब भी आए इसकी तरह ट्रीट करो, फिर देखेंगे कि फर्स्ट टाई हो गया तो सेकंड, सेकंड टाई हो गया तो थर्ड, इस तरह से जाएगा। इधर देखिए, यानी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे कितने कार्बन जुड़े होंगे, दो, तो मैंने दो जोड़ दिए, एक तो ये और एक ये, इस पे कितने जुड़े हुए हैं, दो, तो ये एक और एक, बाकी के दो हाइड्रोजन है, और इसमें क्या है, बाकी एक हाइड्रोजन है और एक मेन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से बॉन्ड तोड़ते जाएंगे और दोनों को एक एक एटम दे देंगे। अगर मैं आज सपोज किसी एक्स एटम से जुड़ा हुआ हूं, समझ में आ रहा है, मेरा नाम एस है, सुनील फॉर एस, एस फॉर सुनील, और सामने वाले का एक्स है और मैं उससे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हूं, तो एक तो सिंगल तो रह गई, एक्स एक्स, इस तरह से ट्रीट करेंगे कि मेरे साथ तीन एक्स जुड़े हुए हैं और उसके साथ ऐसे सेलेक्ट करेंगे तीन एस जुड़े हुए हैं, समझ में आ गई बात, दोनों को देंगे, ये नहीं केवल इसी को प्रायोरिटी देंगे, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये भी दो कार्बन के बराबर हो गया और ये भी दो कार्बन से जुड़ा हुआ है एटम के बराबर हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी रहेगा ऑब्वियसली। तो ट्रिपल बॉन्ड को जब भी आप देखेंगे तो वो इससे ज्यादा होगा, लेकिन हाँ अगर यहां पर इस कार्बन को देखो, एक सी एस सी, सी एस सी, और ये क्या है, सी टू एच फाइव आ गया, समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कार्बन इस कार्बन से भारी हो गया, क्योंकि इस कार्बन में कितने कार्बन थे, तीन कार्बन जुड़े हुए थे, आप इसको कैसे ट्रीट कर रहे थे, ये आसान नहीं है, एक दो तीन कार्बन, लेकिन तीनों कार्बन कौन से थे, मिथाइल वाले, जबकि इसके साथ कौन सा कार्बन है, इथाइल, या तो तीनों इथाइल हो गए तो एक भी इथाइल हो गया और बाकी के दो मिथाइल हैं, तो ये कार्बन इससे सीनियर हो गया, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, यानी ये कार्बन तीन मिथाइल वाला है जबकि ये कार्बन दो मिथाइल एक इथाइल, तो थोड़ा सा प्रायोरिटी बढ़ गई इसको यहां पर, और ये किसके बराबर है, तीन, लेकिन इसमें क्या है, तीन मिथाइल है और जो मिथाइल है वो भी अपने आप में कार्बन रखते हैं, तो इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी से इसकी ज्यादा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। इधर देख लीजिए ट्रिपल बॉन्ड, ये तीन कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन कितने से जुड़ रहा है, दो, तो ये प्रायोरिटी कम हो गई, फिर ये इससे तो ज्यादा है क्योंकि ये कार्बन भी दो से जुड़ रहा है, लेकिन ये भी दो से जुड़ रहा है, लेकिन इससे जो जुड़ रहा हुआ है वो भी दो से ही काउंट हो रहा है, जबकि इससे जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक से, तो इस तरह से हम प्रायोरिटी कर लेंगे, तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल करोगे तो आपको प्रायोरिटी वैसे ही दिख जाएगी। तो कुछ एग्जाम्पल हम करें प्रायोरिटी ऑर्डर पे, एक बार प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे को प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए कंपेयर ई एंड जेड, नहीं सॉरी, कंपेयर प्रायोरिटी ऑर्डर,
कंपेयर प्रायोरिटी, कंपेयर प्रायोरिटी। तो अब आपके पास बहुत सारे एग्जांपल आपको देते जा रहा हूं मैं, करते जाना। सबसे पहला OH और CH3 कौन ज्यादा होगा, आपको बस ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है। CCl3 फ्लोरीन, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, COOH CHO CHO और एक यहां पर OH CHO CH2OH। अच्छा एक और है जो हमारे को यहां पर लिखना था, रिंग में भी लिख सकते हैं, छोटी रिंग बड़ी रिंग। तो यहां हमारे पास रिंग को कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से सुनना। यहां हमारा एक पॉइंट और बढ़ेगा अभी जो मिसिंग है, रिंग कैस अपन ने नहीं लिखा था, तो वहां पर रिंग कैस भी लिखेंगे आप। देखिए जब आप रिंग को देखेंगे, मान लीजिए ये रिंग है और ये रिंग है, इस वाले का ही सॉल्यूशन मैं ले रहा हूं, तो कैसे ट्रीट करेंगे। ये कार्बन आ गया, ठीक है, फिर इस तरह से ले जाएंगे अपन। इसके पास मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है या 3 है, तो जो सेकंड कार्बन है वो आएगा इसके पास, ये तो मेन 1 डायरेक्टली अटैच्ड है, फिर सेकंड आ जाएगा, फिर थर्ड कार्बन आ जाएगा, फिर वापस कौन आ जाएगा, 1 आएगा, जो कि अपने आप में 1 कौन सा है, घूम के वहीं आ गया। 1 कौन सा है अपने पास, 3 डिग्री, 1 2 3 ऐसे चलेगा, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। कोई डाउट, समझ में आया। इस तरफ से गए अपन दूसरी तरफ से, तो वही हमारे पास होगा, पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर वापस 1 आ जाएगा, और वो भी इस तरह से। कोई डाउट नहीं है। जबकि यहां पर अगर हम देखेंगे, मान लीजिए ये मेन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो कौन से नंबर पे जाके रिपीटेशन होगा, 2 3 4 5 6, फिर 1 जाके आपके पास कौन सा आएगा, 3 डिग्री। समझ में आ रही है मेरी बात, इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, 2 3 4 5 6 और फिर उसके बाद रिपीट होगा 3 डिग्री। तो आप मुझे बताएं 3 डिग्री कार्बन सबसे पहले किस में आया, छोटी साइकिल में या बड़ी साइकिल में, स्मॉल रिंग में। तो स्मॉल रिंग की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, बिग रिंग से क्या होगी, ज्यादा होगी। आ गई बात समझ। तो ये पॉइंट थ्योरिटिकल हो गया अपना, तो कुल मिला के हम इसको पहले लिखेंगे स्मॉल रिंग प्रायोरिटी इज हायर देन स्मॉल देन बिग रिंग, बिग सैचुरेटेड रिंग। ये रूल सिर्फ सैचुरेटेड में लगेगा, अनसेचुरेटेड हो गया तो जिसमें पाई बॉन्ड पहले आ गया वो जीत जाएगी। इन केस ऑफ अनसेचुरेटेड इज डिसाइडेड, प्रायोरिटी इज डिसाइडेड on basis of multiple bond, multiple bond positions, multiple bond पहले जिसमें आएगा उसकी priority ज्यादा होगी, सही है।
तो ऐसे हम देखेंगे, तो आप किसको प्रायोरिटी पहले देंगे? इसको, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है। हमारी लड़ाई एक इस तरह के कंपाउंड में ज्यादा होती है, ये तो बहुत आसानी से दिख रहा है हमारे को। इन दोनों में कौन प्रायोरिटी है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन, ऑब्वियसली फ्लोरीन, डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं इस कार्बन पे? तीन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इसमें कितने जुड़े हुए हैं? एक। तो सब, और इसमें तो डायरेक्ट ही ऑक्सीजन है, तो नंबर वन ये होगा सी, फिर ए और फिर बी, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ते ही आ गया, तो वो तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में। और अगर एक और होता फ्लोरीन, तो इसकी डी सबसे ज्यादा होता, क्योंकि बढ़ते ही अब फ्लोरीन मिल रहा है। कुछ कुछ समझ में आया? इन दोनों में कौन प्रायोरिटी होगी? पहला ट्राई है, लेकिन ये जो कार्बन है ये दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? एक ऑक्सीजन से। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज्यादा प्रायोरिटी है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? इस कार्बन मैंने पहले बोल दिया छोटी रिंग ज्यादा प्रायोरिटी में रखेगा बड़ी रिंग से। तो क्या आपने ये सब लिख लिया? आपने तो लिखो ये फास्ट। तो दोस्तों कुछ और एग्जांपल पे हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, ये है पीएच का मतलब फिनाइल, फिनाइल जानते हो, यानी ये वाला ग्रुप, ये तो कौन ज्यादा होगा इन दोनों में? बोलो, ए और बी में, ए, क्योंकि भिड़ते ही आपको क्या मिल जाएगा? डबल बॉन्डेड कार्बन, जो कि सिंगल बॉन्डेड से ज्यादा सीनियर होता है। सी सी एल थ्री सी एच ओ ओ सी एच थ्री, कौन ज्यादा होगा जल्दी से बोलो? इसमें सबसे ज्यादा होगा सी, फिर ए, फिर बी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भिड़ते ही मिल रहा है जबकि बाकी सब में कार्बन मिल रहा है। तो इन दोनों में कार्बन कार्बन टाई हो जाएगा। इन दोनों में फिर क्या करोगे आप? इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन इसमें तो सीएल मिल रहा है, सीएल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो अगर इनको ए बी सी डी नाम दे दिया जाए तो सबसे ज्यादा कौन होगा? सी, फिर बी, फिर ए, और सबसे ज्यादा बाद में डी। भले उसमें तीन ब्रोमीन है लेकिन कार्बन के बाद है। समझ में आ गई बात? तो आपने ये भी सही किया होगा, आई थिंक सही किया है। इधर देखो, इसमें पहला कार्बन है, टाई हो गया सब में, सही है। इसमें पहले कार्बन के बाद दूसरा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें तीसरा कार्बन है, दूसरा नहीं। तो आपके लिए अगर ये ए बी सी हो जाता है तो सबसे ज्यादा ए और फिर बी और फिर सी, यही है। किसी को कोई डिस्कशंस करना है तो बोल सकता है आराम से। नेक्स्ट, इसमें भिड़ते ही कौन है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। तो आंसर क्या होगा? ए बी सी में सबसे पहले कौन होगा? बी, फिर ए और फिर सी, क्योंकि भिड़ते ही कार्बन है, बहुत बाद में आएगा। इसमें भिड़ते ही फर्स्ट एटम कौन है? नाइट्रोजन 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 टाई, लेकिन इसमें नाइट्रोजन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें एक ही कार्बन में और इसमें ट्रिपल कार्बन से, हाँ या ना? तो कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा सीनियर होगा, ए या सी? सी। अब इसको ऐसे ट्रीट करो, बस। ओहो, गलत ये है कि चार वैलेंसी कब से आने लग गई नाइट्रोजन की, सही है ना? तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करें अपन? यहां पर हाइड्रो लगा ही नहीं सकते अपन, और अब क्योंकि नहीं लगा सकते तो ये डबल कार्बन से हो गया, ये कितना होगा? ये भी डबल बॉन्ड से हो गया, डबल कार्बन से, लेकिन ये जिस, ये भी टाई हो गया, यहां तक टाई हो गया, ये भी टाई हो रहा है एक तरह से, लेकिन ये कार्बन बाद में किससे जुड़ा हुआ है? किस हाइड्रोजन से, जबकि ये कार्बन बाद में किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। तो इस हिसाब से ए, फिर सी और फिर बी। कोई डाउट? पक्का? अच्छे समझ में आ गया? अगर वहां ऐसा कुछ होता या मैं नाइट्रोजन पे प्लस लगा देता, ऑटोमेटिकली तीन कार्बन से अटैच नाइट्रोजन की प्रायोरिटी दो कार्बन से अटैच से ज्यादा होती है। यस और नो?
सी एच टू सी एच ओ, सबसे पहला कौन होगा भिड़ते? यहां पर ऑक्सीजन है, सी सबसे ज्यादा होगा, फिर बी होगा और फिर ए होगा। क्या सही हूं मैं? हाँ, क्योंकि ये इन दोनों में कार्बन टाई हो गया, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन है, वहां क्या है? कार्बन है, समझना, वो कार्बन आ रहा है उसमें, सेकंड पोजीशन पे भी कार्बन है, जबकि यहाँ सेकंड पोजीशन पे क्या है? ऑक्सीजन। वो तो अगर यहाँ पर सी एच टू और फिर सी एच टू और फिर ओ एच होता तो थर्ड पे जाता। इन तीनों में सी नंबर सी तो पहले ही आ गया क्योंकि ऑक्सीजन है, कार्बन टाई यानी बी और फिर ए, इन तीनों में सी डबल ओ एच ओ एच, तो बी सबसे ज्यादा, फिर इन तीनों में, इन दोनों में सी एच टू टाई सी एच टू टाई, फिर सी डबल ओ एच सी एच टू एच, ए ज्यादा होगा। इसमें डबल बॉन्ड ओ एच, डबल बॉन्ड ओ फिर डबल बॉन्ड ओ, ये वाली चीज क्लियर है? तो मेरे हिसाब से ए सबसे ज्यादा, फिर बी और फिर सी, क्योंकि ये टाई हो गया, ये टाई हो गया, यहां टाई हो चुका है, बस यहाँ सी एच सी है, यहाँ ओ एच और वहां एच है। इन तीनों में सबसे ज्यादा सीनियर कौन होगा? सी टू एच फाइव। अगर सी टू एच फाइव सबसे ज्यादा है तो डी सबसे ज्यादा है, फिर सी, फिर बी और सबसे कम ए, क्योंकि कार्बन टाई हो रहा है सब जगह। फिर उसके बेस, आइसोटॉप्स के बेस पे से इस पे हम उनको करना पड़ेगा, और ट्रिटियम की प्रायोरिटी ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो 18 तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, अपने बहुत सारे एग्जाम्पल कर दिए। 10th वाला एक बार और, कहाँ है ये 10th वाला? चलिए 10th को एक बार और एक्सपांशन करके देखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा और इसको करते हैं। ये हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 तो हो ही गया, ये 2, ये 2 कार्बन से जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, फिर ये 2 3 और ये 4 5 6 और फिर वापस 1, और ये ऐसे 3 डिग्री कार्बन है। दूसरी तरफ 6 5 4 3, तीन वाला इस तरह से जुड़ेगा, दो दो वाला भी ऐसे ही जुड़ेगा, फिर एक, सही है? इसको देखो, मान लीजिए ये 1 2 3 है, तो 1 2 डबल बॉन्ड से सिर्फ, और फिर ये, और फिर वापस क्या हो जाएगा? ये 2 3 और ये वापस 1, समझ में आ रही है बात? तो यहां 1 था, टाई हो गया, 2 यहां पर जी दिया वो, सही है? तो बस सही है। हाँ बेटा ठीक है, ये समझ में आ गया या नहीं आया? एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है, इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन पहले ये वाला पॉइंट देख लो। मान लीजिए ये एक कार्बन है सी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सी एल सी एल और सी एल, या एच, बाकी एच लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये कार्बन है, किसकी प्रायोरिटी होगी ज्यादा? देखते हैं, नंबर 1 ये लाएगा, नंबर 1 ये डायरेक्ट अटैच है, टाई हो गया, हुआ या नहीं हुआ? नंबर 2 पे, नंबर 2 पे ये कार्बन आएगा, ये नंबर 2 पे कोई भी एक कार्बन ले आएगा, टाई हो गई बात, सही है ना? नंबर 3 यानी 1 2 3 ये क्लोरीन ला सकता है, सही है ना? अब ये देखिए 1 2 3 कार्बन ही लाएगा, क्लोरीन कहीं पे भी नहीं है। 1 2 3 कुछ है ही नहीं बेटा, हमेशा ये वाला ऊपर वाला यहां, तो ये 1 2 ऊपर क्या है? कार्बन ही है,
सही है ना? तो अगर टू पे सब जगह उसे कार्बन ही दिखाई दे रहा है तो कौन जीत जाएगा? एग्जाम्पल 19। आपको हमेशा पोजीशन से एटम देखने, मैं फिर बोल रहा हूं पोजीशन से देखने, उसे नहीं देखने, पोजीशन से एटम्स देखने की आदत डालेंगे हम। कितने एटम है वो बात की बात है, पहले पोजीशन से देख रहे हैं अपन हर बार। सही है। और सिमिलर पोजीशन में अगर यहां पर आपको एक क्लोरीन में मिल जाता ना, या एक सेकंड के लिए देखिए, अब आप बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे? फर्स्ट और सेकंड पे क्लोरीन है, फर्स्ट सेकंड पे इधर क्या है? कार्बन ही है। इधर कहीं पे भी एक जगह भी अगर क्लोरीन आ जाता ना, ये एक जगह भी क्लोरीन आ जाता ना, जीत जाता। क्यों? क्योंकि सेकंड पे यहां पर भी क्लोरीन है, टाई हो गया। फिर उसके बाद ऐसे देखते, लेकिन अगर एक भी जगह नहीं है तो फिर वो आ जाता। कोई दिक्कत आ रही है? पोजीशन से देखना है हमें, नंबर से। एक बार और समझा दिया, अच्छे समझ में आ गया? हम यही रखें। देखिए जब बात करते हैं हम एल्कीन की, तो हमें नेमिंग जरूरी है कि हम उसने एल्कीन को कैसे बताएं, क्योंकि एल्कीन के दो आइसोमर्स बन रहे हैं ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कौन से आइसोमर्स का क्या नाम रखा जाए वो हमें डिसाइड करना है। तो ये तो है दोनों नेमिंग शुरुआत की कॉमन नेम जो पहले चला करती थी, फिर आईयूपीएसी के बाद हमने क्या नाम दे दिया? आईयूपीएसी नेमिंग, जिसको हमने नया नाम दिया ई एंड जेड। तो शुरुआत में तो था सिस एंड ट्रांस। सिस का मतलब सेम डायरेक्शन और अपोजिट का मतलब, ट्रांस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर कोई जनरल वे में हमारे को जो सबसे पहले मिला था वो था ये ब्यूटीन, तो CH3, इसके लिए हमने ये नेमिंग दी थी, बहुत प्यारा था। और इसी का एक और आइसोमर से हमारे पास ये, हमें पहली बार जब पता चला कि सिस मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस होती है, तो उसका यही एग्जांपल हमारे सामने आया था। तो बताइए दोनों CH3 सेम डायरेक्शन में है या नहीं है? है, सेम डायरेक्शन में है। तो हमने इसको नाम दिया सिस और इसको नाम क्या दिया हमने? ट्रांस। लेकिन उसी समय किसी और कंट्री के अंदर इस सिस की जगह सिस और ट्रांस की जगह क्या यूज कर रहे थे? वो सिन एंड एंटी, और उन्होंने नाइट्रोजन को ध्यान में रखते हुए ये चीज देने की कोशिश की थी कि ये हमारे पास कार्बन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसमें लोन पेयर है और ये OH है, और यहाँ पर कुछ इस तरह का CH3H। तो अगर आप, और बहुत अच्छा था, इसके लिए भी नहीं था इतना ज़्यादा NOH, और इसके लिए देने की कोशिश किया तो सेम डायरेक्शन में लोन पेयर थे, सेम डायरेक्शन में OH था, तो इसको क्या बोला उन्होंने? सिन। और एन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते लोन पेयर तो इसका नाम उन्होंने क्या दिया? एंटी। एंटी का मतलब अपोजिट होता है, सिन और एंटी। लेकिन दिक्कत क्या थी कि सेम ग्रुप ही ना हो तो हमें किससे डिसाइड करेंगे? आईयूपीएसी ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि पहले प्रायोरिटी निकालो। प्रायोरिटी किससे निकालोगे? सीआईपी रूल। सीआईपी रूल के बाद आपने प्रायोरिटी निकाल ली तो आपके लिए बहुत आसान होगा। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन और यहाँ पर ब्रोमीन आयोडीन, आपको इन चारों में प्रायोरिटी नहीं निकालनी है, आपको इन दोनों पे आपस में और इन दोनों में आपस में निकालनी है। तो बताइए इन दोनों में कौन प्रायोरिटी है, किसकी ज़्यादा है? आयोडीन। और इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? इन दोनों की। इन तो ओवरऑल सेम प्रायोरिटी ग्रुप आपके सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन को हमने क्या बोला? जूसामेन। और तो जूसामेन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? जेड। सही है। और अगर ये ऐसा होता, सपोज क्लोरीन ऊपर आ जाता, तो आप मुझे बताओ इन दोनों में कौन प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? आयोडीन। और यहाँ क्लोर अपोजिट होता तो ये आंसर तो इसका तो जेड था, और इसका आंसर क्या हो जाता? एंजेजन। तो एंजन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन। एंजन का मतलब हो गया
अपोजिट डायरेक्शन और जुसामेन का हो गया सेम डायरेक्शन, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका मतलब ई, और सेम डायरेक्शन होता तो जी। इसमें एक गुरु मंत्र है आपके पास, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो गुरु मंत्र क्या कहता है? गुरु मंत्र ये कहता है, ध्यान से सुनना बहुत प्यारा, फिर उसके बाद लिखना। जब प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड हो गया तो आप देखो सेम डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, तो कैसा बन रहा है? ई या जेड जैसा बन रहा है? ई, देखो ई बन रहा है या नहीं बनता दिखाई दे रहा है? तो जब ई बन रहा हो तो आंसर जेड होगा, और जब जेड बन रहा हो तो आंसर ई होगा। ये देखो जेड नहीं बन रहा, समझ में आ रहा है? तो गुरु मंत्र क्या है? इफ, हिंदी में लिखे यहां पर, यदि ई यानी सेम डायरेक्शन में प्रायोरिटी हो, यदि ई बन रहा है अर्थात इस तरह का बन रहा है, आपके प्रायोरिटी ग्रुप दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आंसर जेड होगा। और जेड बन रहा है यानी ऐसे बन रहा है, ग्रुप अपोजिट दिख रहे हैं, तो आंसर ई होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आता है, जेड बन रहा है तो आंसर ई होगा, और ई बन रहा है तो आंसर जेड होगा, सही है? तो अगर आपने ये चीज ध्यान में रख ली तो आपके बहुत सारे काम आसानी से हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हमने करा है उसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। शो ई एंड जेड नेमिंग इन फॉलोइंग, फर्स्ट सेकेंड ये ले लीजिए आप, ये तीन एग्जाम्पल आपके साथ हैं, तीनों को कर सकते हैं आप। चलिए ये लास्ट हम इसको देखते हैं कि कैसे करना है, आप मेरी मदद कर दीजिएगा, फिर एक साथ उतारिएगा। इन दोनों में कौन सीनियर है? सी डबल ओ एच, इन दोनों में ओ एच, कैसा बन रहा है ये? ई, आंसर क्या होगा? इन दोनों में कौन सीनियर है और इन दोनों में कौन सीनियर है, तो आंसर कैसा बन रहा है? ई बन क्या रहा है? ई सेम, तो आंसर क्या होगा इसका भी? जेड। इन दोनों में कौन सीनियर है देखते हैं एक बार इसको एक्सपांशन करके देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है बैठते ही, और उसके बाद भी ट्रिपल बॉन्ड है, सही है? जबकि इसके अंदर फिनाइल में कौन सा है देखा जाए तो ये इस तरह से होता है, कुछ समझ में आया? सही है, यही होगा। तो इसको एक्सपांशन करो, ये साइक्लिक है ये नहीं है, तो यहां पर ये टूटा ये, और फिर यहां कार्बन है, सही है? पक्का?
बाकी तो आप कर ही सकते हैं जो भी आपके पास, क्योंकि हर कार्बन यहाँ पर ऐसा ही जाएगा। ये कार्बन भी आपके पास डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन रहेगा। इसमें भी आपके पास एक हाइड्रोजन जाएगा नीचे, सही है। तो ये आपके पास अभी तक रहा, कोई दिक्कत आ रही है आपको? और क्योंकि ये वाला कार्बन एक आपको और दिखाई देगा, हाँ या ना? एक्सपांशन करना आया आपको? ये कार्बन पे कितने कार्बन जुड़ेंगे? एक दो तीन, एक दो तीन, सही है। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन इस वाले कार्बन में जो रेगुलर चला है, उसमें उसको एक कार्बन से जुड़ दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन उस एक तो कार्बन है जो कंटिन्यू चल रहा है, आ रही है बात समझ में? यही कुछ इसमें हो रहा है। तो आप देखिए, पहला एटम कार्बन, मैं फिर टाई करना सिखा रहा हूं, किसके अंदर? एल्काइन के अंदर। ये तो एल्काइन का है, ये टाई हो गया, टाई हो गया। दूसरा एटम, इसने कार्बन लिया आया, ये भी कार्बन लिया आया, टाई हो गया। फिर इसने कहा मेरे पास दूसरा एक और कार्बन है, इसने कहा मेरे पास भी कार्बन है, टाई हो गया। इसने कहा दूसरा एटम मेरे पास एक और कार्बन है, इसने कहा मेरे पास भी एक और कार्बन है, टाई हो गया। समझ में आ रहा है? टाई हो गया, तीनों कार्बन टाई हो गए। इसने कहा अब तीसरे एटम भी फाइट है हमारे पास, इसने कहा तीसरा एटम मेरे पास 1 2 3, तीसरा कार्बन है, समझो। इसने कहा तीसरा कार्बन है मेरे पास, तो इसके पास भी तीसरा क्या है? 1 2 3 कार्बन है, समझ में आ गया? इसने कहा मेरे पास तीसरा एक और कार्बन है, इसने कहा मेरे पास भी एक और कार्बन है, जिस कार्बन पे तीसरा कार्बन है, ठीक है। तो इसका जो बाद वाला कार्बन है वो भी आपके लिए क्या है, देखा जाए तो 3 डिग्री है, और ये भी 3 डिग्री है, लेकिन उसके बाद भी इसके पास कार्बन है कंटिन्यू। तो इसमें हर कार्बन अपने आप में क्या जाएगा, देखा जाए तो 3 डिग्री जाएगा, और उसके बाद कंटिन्यू जाएगा, जबकि इसके अंदर सिर्फ दो कार्बन तक ही 3 डिग्री जा रहा है। तो बहुत खराब वाली पोजीशन हो गई है इसमें, ये 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री जाएगा, बाकी हाइड्रोजन आएगा। तो कौन ज्यादा जीतेगा पीएच और सी ट्रिपल बॉन्ड में, और इन दोनों में? कैसा बन गया ये, आंसर क्या होगा, हाँ या ना? तो ई और जेड नेमिंग आ गई अच्छे से समझ में? ई जेड सिस ट्रांस बहुत आसान है। तो मैंने तो एक चीज बना रखी है, ई बन रहा हो तो जेड, जेड बन रहा हो तो ई, सी ट्रिपल बॉन्ड की नहीं। देखो मैं ये मान रहा हूं, मैं तो बहुत इजी इजी मान रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसमें पहला कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, यानी 3 डिग्री, समझ में आ गया? कार्बन तो ऐसे ही देखेंगे अपन। इसमें पहला कार्बन क्या है, पीएच के अंदर बैठते ही एक तो इधर की तरफ रिंग आ रही है फिनाइल के अंदर, तो ये 1 2 3, ये भी 3 डिग्री है, दिख डबल बॉन्ड रहा है लेकिन है क्या यार 3 डिग्री, समझ में आई बात पक्का? फिर उसके बाद ये कार्बन आया, ये भी 1 2 3, 3 डिग्री है, साइक्लिक होने का फायदा उठा लिया उसने। तो हर कार्बन क्या है, 3 डिग्री हो गया, तो 3 डिग्री कंटिन्यू चल रहा है, और यही चीज उसके साथ भी है। लिखें,